हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से बाजू लगाना। देखिए, मैंने आपको छोटी बड़ी बाजू सब तरीके की बाजू बताई है। आज मैं आपको कुछ अलग बताऊंगी और वो भी आसान और सरल तरीके से। तो अगर आपने वो वाली जो बाजू मैंने बताई है वो नहीं देखी है तो प्लीज उन बाजू को भी आप देखें। और आप इससे क्या है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है अलग अलग तरीके से हम कैसे बाजू लगा सकते हैं। तो ये वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है इंडियन टेलरिंग, आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ऊपर लिख के आएगा वीडियो, फिर आप उस पर क्लिक कीजिए तो पूरा चैनल आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बॉर्डर है ना, तो ये बॉर्डर देखिए यहाँ पे छोटा है, इस तरीके से लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये बॉर्डर को निकालेंगे। अब यहाँ पे बॉर्डर को हम बराबर करके आधा आधा करेंगे। अब देखिए, कपड़े को हमें डबल करके रखना है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे जो कपड़े की चौड़ाई वो 15 इंच है और कपड़े की जो लंबाई है वो 12 इंच। तो यहाँ पे हमें लंबाई में कटिंग करनी है, तो हम यहाँ पे लेंगे 5 इंच। 5 इंच लेना है और इसको देखिए ऐसे करके ऊपर की साइड ऐसे लेके जाना है। एक एक इंच हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे मोरी पे। यहाँ पे किनारी है तो इस पे हमें मोड़ना नहीं है, ऐसे ही सिंपल सी सिलाई लगाएं। अब इसके बाद जो भी हमारी फिटिंग की सिलाई है इसको 1 इंच खोलेंगे। आरोमल के ऊपर हमें बाजू को रखना है और नापना है। देखिए, चौड़ाई तो बराबर आ रही है। अब इसको हम लगाएंगे। देखिए, हमारी बाजू तो लग गई। अब जो हमारा ये बॉर्डर है इसको हमें आधा निशान लगाना है तरीके से, यहाँ पे निशान और यहाँ। अब ये दोनों निशानों को हम मिला के सिलाई लगाएंगे। देखिए, बाजू को हम डबल करके अपनी मोरी का निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी मोरी है, हमारी मोरी है 10 इंच, तो 5 इंच पे निशान लगाएंगे और जो भी फिटिंग का सिलाई है उसमें ऐसे जोड़ देंगे। और ये बाजू लग के देखिए तैयार है। अब इसी तरीके से हम दूसरी बाजू लगाएंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप कुछ पूछना या सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।